श्रीवास देवर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे गोविंद हरि 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 हरि बोल हरि बोल बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे स्कंद पुराण के भागवत महिमा कह रहे स्कंद पुराण अरे आरती होगी आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाए जब जब माला लाएगी निकाल दी लाई और जब माला श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है अमर ग्रंथ यह भक्ति पंथ यह पंचम वेदिनी रहा नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ भक्ति पंथ पंच
गरी हो अब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम हरि ध्यान यह जग मंगल की आरती पापियों को भाग से हरि बोल बोलो वृंदावन विहारी नारायण।
भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। उधर जो खड़े सामने बैठना, उधर कोई मत बैठो, इसलिए आप लोगों के लिए चेयर भी हमने हटा दी। सबके सामने बैठो, इधर आ जाओ, वहां कोई मत बैठो, सामने बैठो आप। हरे भाई हरि बोल। हरे कृष्ण स्कंदर। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां पर जो हवा खाने के लिए बैठे, अरे हवा क्यों खा रहे हो? लास्ट में प्रसाद खाना मिलेगा, बीच में आ जाओ, सामने सामने। वहाँ हवा खा रहे हैं और खाना कुछ मिला ही नहीं। ऐसे घुमा दो पूरा, सबका हवा लग गई। नमस्ते गुरुदेवाय तम करुणावरणालयम् सर्वतिस्तिमरापह पामरमक्करायते। नमो परम गुरुदेवाय धीमते सैममूर्तये भक्ति श्रीरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। सर्वारंभे मंचासीनस्मदीय गुरुदेव, मेरे संबंध ज्ञान भक्ति भक्ति मति प्रदादा, ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर श्री गुरु महाराज जी के चरणारविंद में अनंत कोटि प्रणिपात ज्ञापन करते हुए उनकी कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानु गुरु गौड़ीय परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी अहेतु की कृपा की अभिलाषा करता हूँ। सभी लोग सभी भक्त वृंद की सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कल भागवतम की आदि दिन था, हमने महाराज जी के मुखारविंद से बड़े अमृतमयी कथा की श्रवण करे। श्रीमद् भागवतम की महिमा की श्रवण की इतनी महिमा है, शंकर जी पार्वती जी को हर पद पद में रामचरितमानस में हमको मिलता है। किस प्रकार से शंकर जी अपने मुखारविंद को सार्थक कर रहे हैं भगवान की इस पवित्र कथामृत को, पावन कथामृत को पार्वती जी को सुना करके। तो कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम की जो पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवतम की महिमा था उसको हमने श्रवण किया। तो महाराज जी की आदेश है कि कुछ और जो पुराण है स्कंद पुराण आदि, उनमें से जो भागवतम की जो कथा है महिमा की उसको हम श्रवण करें। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम की कथा शुरू कहाँ पे हुई थी पता है किसको? सर्वप्रथम शुरू हुई थी ये श्री गिरिराज जी के चरण में। तो वहां पे कथा शुरू होती है कुछ इस प्रकार। जिस समय भगवान इस धाम को छोड़कर के चले गए, ब्राह्मणों की श्राप से यदुवंश की नाश हो गया। अब भगवान जाते जाते श्री बज्रनाथ जी को अपने जो प्रपुत्र थे, जो पुत्र के पुत्र के पुत्र, पौत्र के जो पुत्र है, प्रपुत्र को श्री ब्रजमंडल की राजा बना दी और भगवान चले गए। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज जी ने देखा कि भगवान तो चले गए, हम प्राण धारण करके क्या लाभ है? जब भगवान हमको इतने संकट से बचाए, छोटे से लेकर के जब पांडवों ने छोटे थे तब से लेकर के अंत तक भगवान ने उनको उद्धार किया, इतना उद्धार किया, इतना उद्धार किया, उनके सारे विपद को खत्म करके भगवान की कृपा दृष्टि उनके ऊपर बनी रही जब तक भगवान इस धराधाम पे थे।
तो इस बात को उन्होंने अनुभव करके सोचा कि भगवान जब चले गए, जब आत्मा ही निकल गया, शरीर को क्या फायदा रख करके। तो इसलिए उन्होंने सारे जो पृथ्वी का राजत्व उस समय उनका था, सब कुछ को त्याग दिया। अपने जो पुत्र थे, पुत्र के जो पुत्र है, जो परीक्षित महाराज हैं, अपने पुत्र थे, उनको हस्तिनापुर की राजा बना करके वे भी पधार गए। अब हस्तिनापुर की राज्य परीक्षित महाराज जी राज्य शासन कर रहे हैं और ब्रजमंडल में ब्रजनाथ जी शासन कर रहे हैं। एक बार की बात है, हस्तिनापुर से परीक्षित महाराज जी गए कि चलो देखते हैं कि हमारे जो भाई हैं, क्योंकि प्रपुत्र हैं कृष्ण के और कृष्ण, युधिष्ठिर, पांडव आपस में क्या लगते हैं, भाई लगते हैं, तो ये भी उनके चाचा लगते हैं। चलो मैं अपने संबंधी को देख करके आता हूँ। जब इन्होंने ब्रजमंडल में पहुंचा, देखा परीक्षित जो ब्रजनाथ जी हैं, उनकी मुखमंडल उदास से छाया हुआ। बोले कि परीक्षित ब्रजनाथ, तुम्हारी ये चेहरे पर उदास की छटा क्यों है? बोले कि आप सही बात पूछे। एक राजा की शोभा तब होती है जब वो राज्य में राजा कुशल मंगल हो, राजा प्रजा हो। परंतु यहाँ पे तो कोई प्रजा है ही नहीं। जब से भगवान गए तब से एक चीटी मात्र भी जीवित नहीं है। तो आप ही बताएं, मैं किन प्रजाओं की राजा बना पड़ा? तो बात तो सही है। उन्होंने क्या करते हैं इस बारे में पूछने के लिए कि सब ब्रजवासी कहाँ गए, इस बात को जानने के लिए उन्होंने श्री शांडिल्य ऋषि जी के पास आए, क्योंकि उस समय केवल शांडिल्य ऋषि वहां पर थे। और जो शांडिल्य ऋषि कौन है, ये जो नंद बाबा हैं, ये नंद बाबा की कुल पुरोहित थे। तो शांडिल्य मुनि के पास आए और प्रश्न किया कि प्रभु आप हमको बताइए कि कृष्ण जब गए उसके बाद ब्रजवासियों का क्या हुआ, ब्रजवासी कहाँ गए? तो शांडिल्य मुनि बोले कि आप उनको उत्तम आसन दिया, बिठाए और उनको बोले कि देखो, सुनंतम दत्त चित्तो में रहस्यम ब्रज भूमिजम ब्रजनम व्यक्तिरिक्तिक्वा व्यापनात् ब्रज उच्यते। हम समझते हैं ब्रज का अर्थ क्या है। तो शांडिल्य मुनि ब्रज शब्द की अर्थ बदला रहे हैं कि सुनो, अब दत्त चित्त होकर के सुनो। यहाँ पर हमको भी वे कह रहे हैं कि अगर भागवतम कथामृत को पान करना है तो दृढ़ होकर के सुनना पड़ेगा, कोई विक्षेप नहीं, कोई अन्य मनस्कता नहीं है, तब जाके श्रीमद् भागवतम के जो पूरा पूरा फल हमारे हृदयंगम होगा। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि कहीं इधर उधर अपने ध्यान को मत भटका के श्री पुरुषोत्तम महीना में ये जो कथावृत की रस गंगा जो बहती हुई हमारे कर्ण तक आ गई है, केवल हम श्रद्धा के साथ उसको पान कर लें। और एक बार पान करने मात्र हर प्राणी की उद्धार हो सकता है, तो क्यों ना हम भी हमारे जन्म को सार्थक करें इस कथा को अच्छे से सुन करके। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब सुनो, व्यापनात् ब्रज उच्यते, क्या कि जो व्यापक है, जो सारे जगह पे व्याप्त है, वही ब्रज है, जो चलता फिरता रहता है वही ब्रज है। क्यों? क्योंकि नंद बाबा जिस समय पहले गोकुल में थे, गोकुल में जब भगवान कृष्ण बहुत छोटे थे, पहले पूतना ही मारने के लिए 6 दिन के थे, भगवान को पूतना मारने के लिए आई। फिर धीरे धीरे उसके बाद तृणावर्त आया, शकटासुर आया, कंस ने न जाने कितने कितने असुरों को भेजा। तो जब तृणावर्त आ गया, अब नंद बाबा सोचते हैं कि हमारे लाला को तो कोई विपत्ति नहीं आ रही है, तो हमारे स्थान, ये स्थान ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या करते हैं, वहां से चल करके किसी और जगह पर आते हैं। वो जगह का नाम है छटीरा। आप इधर से जाओगे दिल्ली से, दिल्ली आगरा की जो नेशनल हाईवे है और बीच में पड़ता है वृंदावन, तो जो वो हाईवे है, वो जो जगह है, वो जगह का नाम है छटीगरा। क्यों छटीगरा पड़ा? क्योंकि उस समय नंद बाबा के पास बहुत गैया थे, 9 लाख गैया था। तो ऐसे ही गोप, जितने भी गोप थे उनके बहुत बहुत गैया थे। तो जितने भी सामान है उनको उठाना है, तो सारे सकट होता है ना बैलगाड़ी, गाड़ी को लगा करके उन्होंने सारे वहीं पे रखा और वहीं पे बसवास किया। सारे सकट सकट उस स्थान पूरा पूर्णमय हो गया, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया छटीगरा। तो वहां से फिर वो वृंदावन में आए। देखा, जब उनकी गैया कुछ खाने के लिए मिल नहीं रहा, वृंदावन में हरी हरी घास है,
यमुना जी की मधुर पानी है, तो उन्होंने वहां पर आकर के वृंदावन में बसे। तो इस प्रकार से जहां जहां से नंद बाबा कृष्ण को लेके अपने ग्वाल वालों को लेकर के गो गोपियों को लेकर के जहां जहां से उन्होंने आकर के बसे वो सारे जगह ब्रज हुआ। तो सांडिल्य मुनि यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जहां जहां से आपके नंद बाबा जहां से आकर के जिस स्थान पर उन्होंने बसे वो ब्रजमंडल के नाम पर ख्यात हुआ। तो अब आप ये सारे जगह को तीर्थ स्थान को आप उद्धार करो। तो बोलते हैं कि फिर ब्रज का जो ये जो दर्शन है इसको हम कैसे करें। तो सांडिल्य मुनि यहाँ पे कहते हैं गुणातीतम परम ब्रह्म कि वो स्थान कैसा है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक स्थान है, ये सात्विक स्थान है, ये राजसिक स्थान है, यहाँ पे ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते हैं तो ये स्थान पवित्र है, यहाँ पे मांस मछली खाते हैं तो स्थान तामसिक है। और ऐसे ही अगर हम दृष्टि से देखेंगे तो वृंदावन धाम भी हमको ऐसे दिखेगा। परंतु सांडिल्य मुनि कहते हैं कि नहीं, ये स्थान कैसा है, गुणातीतम परम ब्रह्म कि ये स्थान जो ब्रजमंडल है, जो वृंदावन धाम है, वो कैसा है। कहते हैं कि ये गुणातीतम, तीन गुण है ना, तीनों गुणों से सात्विक राजसिक तामसिक गुणों से ऊपर हट करके जो मुक्तानाम पदम अभ्ययम, जो मुक्त लोगों की जहां पर स्थान है वो स्थान है श्री ब्रजमंडल। परंतु इसकी दर्शन कैसे होगा। कहते हैं कि इसका दर्शन केवल जिसके नेत्र में वैसे ही दृष्टि होगी तो ऐसे गुणातीत वस्तु को देख पाएगा। बोलते हैं कौन सी दृष्टि। कहते हैं कि वो प्रेम रूपी दृष्टि से भगवान को देखा जा सकता है। भक्ति रवेनम नयति भक्ति रवेनम दर्शयति कि भक्ति जो प्रेम है केवल उसके माध्यम से भगवान को देख सकते हैं, है ना। आज तक हमने भगवान को देखा अनुभव तक कर पाए, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, हमारे नेत्र में काम क्रोध लोभ मोह मद और माश्चर्य भरा पड़ा है, तो इसी नेत्र से हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ कह रहे मुनि जी कि अगर भगवान को देखना है प्रेमाक्ते अनुभूयते कि प्रेम रूपी अंजन लगाओ, प्रेमांजन छुरितो भक्ति विलोचनेनो संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति कि संत भगवान की लीला को कैसे देखते हैं, प्रेमांजन छुरितो प्रेम रूपी काजल लगाओ अपने नयन में और उस नयन भरी जो प्रेम रूपी दृष्टि से तुम भगवान की सारी लीला को देख पाओगे। बड़ी मधुर मधुर लीला आज भी जो भजन करते हैं ऐसे भजनशील संतों को वृंदावन धाम में बड़े ही अपूर्व राधा गोविंद को लीला को देखने की सौभाग्य प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से सांडिल्य मुनि कहते हैं कि अगर तुम भगवान को जानना चाहते हो तो भगवान की आत्मा को जानो। उनकी आत्मा कौन है। कहते हैं आत्मा तुराधिका तस्य तैव रमणादसो। कहते हैं कि भगवान की आत्मा श्री राधा रानी है। अब हम हैं जैसे हमारी भी आत्मा है, भगवान कृष्ण के लिए क्या हम आत्मा किनको बोल सकते हैं। बोलते हैं कि हाँ भगवान कृष्ण की जो आत्मा है वो श्री राधा रानी है और ऐसे राधा रानी भगवान को हमेशा आनंद प्रदान करते हैं श्री वृंदावन धाम में। इसीलिए सर्वतोभाव से जो भजन भगवान की होती है वो केवल राधा जी के अनुगत्य से होने से, राधा जी के चरण में जाने से वो हमको भगवान तक ले जाएंगे। इसीलिए तुम क्या करो, सबसे पहले तुम इस ब्रज की उद्धार कराओ। और उन्होंने बोले कि कहां कहां पर वो जगह स्थित था जो आज विलुप्त हो गया, तो हे वज्रनाथ तुम पहले उस जगह पे जाओ। क्या कौन कौन सी जगह। कहते हैं गोवर्धने दीर्घपुरे मथुराया महावने नंदी ग्रामे बृहस्थानो कार्य राज्य स्थिति स्तोया। वज्रनाथ नंद गांव में बृहस्थानो बरसाना में गोवर्धन में दीर्घपुर डीग में और सारे अलग अलग जगह पर जहां जहां पे भगवान की लीलाएं हुई है उस लीला को लीला स्थली को प्रकट करने से भगवान की वो कृपा दृष्टि तुम पर पड़ेगा और उन कृपा दृष्टि से तुमको राधा रानी के साथ भगवान की दर्शन होंगे। तो इसलिए तुम सबसे पहले वो स्थान को उद्धार करवाओ। कुंड कृपादि कुरते न शिलादि स्थापने न च जितने कुंड है 108 कुंड को उद्धार कराओ और उसके बाद क्या करो
फिर जितने विग्रह हैं उनको प्रकाशित करो। जब वज्रनाभ इस बात को सुने तुरंत ही उन्होंने सारे कार्यों को करना शुरू कर दिया। जहां जहां पर नंदगांव में, बरसाना में, गोकुल में और रावल में, जावट में, वृंदावन में, मथुरा में, जहां जहां पर भगवान की जो जो लीलाएं हुई वो तो सब सांडिल्य मुनि देखे ही थे। उनको बताया कि इस स्थान पर तुम्हारे भगवान ने यहाँ पर सब लीलाएं की है, तो उस स्थान को उन्होंने प्रकट किया, उजागर किया। किस लिए किया? हम लोगों के लिए किया, क्योंकि अब हमको उद्धार होना है। और इस बात को वो महापुरुष जानते थे कि अगर धाम के माध्यम से कलियुग के मनुष्य को उद्धार हो सकता है तो ये अनिवार्य है कि तुरंत ही उस धाम को प्रकट करो जो भगवान जाने के साथ ही साथ विलुप्त हो गया। अब उन्होंने हरिदेव, गोविंद देव, मदन मोहन, सभी जितने भी उस समय भगवान की मूर्ति को प्रकट किया, सारे जितने भी शिव जी की वहां पे स्थापन किया, भूतेश्वर, कामेश्वर, पिपलेश्वर, चकलेश्वर इत्यादि जितने महादेव की, क्योंकि जहां पर भगवान रहते हैं महादेव उनको कभी भी नहीं छोड़ते हैं। गोपीश्वर बन करके भगवान गोपी रूप धारण करते हुए रास तली में आए पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान केवल जानते हैं मेरा जो भक्त है, भक्त की जो शिरोमणि है वो कौन है, वो शिव जी है। इसीलिए मैं जहां जहां पे रहूंगा, आप सारे धाम में चले जाए, द्वारका में चले जाए, आप मथुरा में आइए, आप श्री क्षेत्र पुरी धाम में जाए, जहां जहां पर भगवान है वो स्थान पर शिव जी की निवास अत्यंत है। तो इसीलिए वहां पे सारे जो विग्रह थे विग्रह को स्थापन किया, और साथ ही साथ उन्होंने जो महादेव जी की जितने भी विग्रह था उनको स्थापन किया। फिर एक बार की बात है, जो भगवान के 16,100 पटरानियां थे, भमासुर गुफा से जब वो आए, आकर के देखा कि भगवान तो अभी है नहीं, भगवान तो अपने धाम को चले गए। जब चले गए तो उनके अंदर, क्योंकि उनके प्राण प्रियतम कौन थे, श्री ठाकुर जी थे। अब जब ठाकुर जी ही चले गए तो इस शरीर को धारण करके क्या लाभ। तो जब इतने विरह में थे, उन्होंने श्री यमुना जी के पास आए, और यमुना जी को जब देखा कि कलकलनाथ से वो बहती हुई यमुनोत्री से वृंदावन होकर के और पूर्व की ओर जा रही है, तो इतने प्रफुल्ल देख करके उन्होंने पूछा कि देखो यमुना जी, आप तो भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानी में से एक है। हाँ, तो जब भगवान ही चले गए तो अब यहाँ पे आप कैसे प्रसन्न हो, क्या आपको भगवान की विरह स्पर्श नहीं करता? तो यहाँ पे बड़े अच्छी ही सुंदर बात बतला रही है कि देखो, भगवान जाने के बाद विरह तो होता है, परंतु वो विरह होते हुए भी वो विरह हमको स्पर्श क्यों नहीं कर पाते, उसकी रहस्य सुनो। कहते हैं कि जो राधा रानी है भगवान की प्रियतमा, भगवान की प्रियतमा जो राधा रानी, उनके शरण में जाने से अब विरह की जो स्पर्श था कभी तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। कहते हैं कैसे? कहते हैं देखो, राधा जी के साथ कृष्ण हमेशा है, तो राधा रानी के पास में रहने के कारण कृष्ण भी हमारे पास में ही है। तो उनकी ये बात को समझ में नहीं आया, बोले कि जब भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा आए तो फिर वो क्या था? बोलते हैं कि नहीं, वो विरह नहीं था। तो फिर क्या था? वो विरहाभास था। क्या विरहाभास था? देखो, जैसे कोई एक व्यक्ति दूर स्थान पर जाता है, उनकी जो पत्नी है, अब उनके अंदर विरह होता है, परंतु मन ही मन क्या करते हैं, उनकी गुण को स्मरण करते हैं, और उनके गुण को स्मरण होते होते वो धीरे धीरे हंसते हैं। वो हंसना क्या है? क्या उनके साथ वो विरह हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम जान सकते हैं, भगवान जो वृंदावन में रहते हैं वो भगवान उनके परिक्रम को छोड़कर एक पाद भी कहीं आगे नहीं बढ़ते हैं। और इसका प्रमाण भी है, जिस समय उद्धव जी आए वृंदावन में, भगवान ने उनको भेजा कि उद्धव तुम जाके ब्रजवासियों को सांत्वना दो कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। तो जब वो सखियों के पास आए, गोपियों के पास आए, गोपियों ने उनको राधा रानी के पास ले गए, तो उन्होंने उनको क्या बोले, ज्ञान दिए कि भगवान कौन है, निराकार निर्गुण ब्रह्म है, तो आप उन ब्रह्म में ध्यान लगाओ। अगर उन ब्रह्म में ध्यान लगाओगे तो ये जो आसक्ति युक्त होकर के तुमको जो दुख भोगना पड़ता है, तुम्हारे भगवान में जो इतने प्रबल आसक्ति है, अब भगवान चले गए यानी कि तुम्हारे आसक्ति में बाधा पड़ गया, दुख तो होता ही है,
तो उस दुख की निवारण क्या है, तुम भगवान में ध्यान लगाओ। परंतु राधा रानी ने क्या बोला, राधा रानी ने उनको अपने नित्य स्वरूप प्रकाशित किया। देखा कि उनके जो दाई भाग में राधालिंगित विग्रह, हमेशा जो राधा रानी ने भगवान कृष्ण को जो आलिंगन करने का जो स्वरूप है, वो दिव्य दर्शन श्री उद्धव जी के सामने प्रकट हुआ। इस बात को देख करके उद्धव जी की सारे ज्ञान वही विलुप्त हो गया और उन्होंने प्रेम में पागल हो गए और राधा रानी के चरण पकड़ लिए। तो यमुना जी यहाँ पे वही कह रहे हैं कि ये विरह नहीं था, ये केवल राधा रानी एक आस्वादन ले रही थी, तो इसीलिए मैं राधा रानी के सेवक होने के नाते मुझे भी वो विरह स्पर्श नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे अंग में भगवान की बण जो कालिंदी है, जो कालापन है, वो मेरे अंदर ही भगवान ने छोड़ के गए, तो इसीलिए मुझे इतना विरह नहीं होता। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ करके वो पूछते हैं कि हमें फिर ऐसे विरह जो हो रहा है, इससे हमको निस्तार कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर यमुना महारानी बोलते हैं कि देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल एकमात्र उपाय है, चाहे भगवान अपने धाम को भी चले जाए और चाहे इसी धाम पे भी रहे, इसी धाम पे रहते हुए भी हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। हिरण्यकश्यप ने दर्शन किया था, नहीं, नरसिंह भगवान को साक्षात रूप में देखा, और वैसे नहीं देखा जैसे रामचंद्र को देखते थे, वो तो एक नर मात्र थे, नर्वत लीला करते थे रामचंद्र, तो हो सकता माया में उनको पहचाना नहीं जा सकता। परंतु हिरण्यकश्यप के सामने नरसिंह भगवान ने अपने प्रभुता को दर्शन कराया, होते हुए भी वो भगवान को समझ नहीं पाया। तो भगवान को देखने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि केवल भक्ति, वो प्रेम रूपी अंजल लगाना पड़ेगा, जो कि हिरण्यकश्यप के पास नहीं था, जो कि कंस के पास नहीं था, जो कि रावण के पास नहीं था। तो इसीलिए अब क्या करना पड़ेगा, भगवान को दर्शन करने के लिए कान के माध्यम से भगवान के दर्शन करना पड़ेगा, भगवान की लीला कथा को सुनना पड़ेगा, भगवान की कीर्तन करना पड़ेगा। तो भगवान और भक्तों को प्रकट करने के लिए कलयुग में केवल एकमात्र आधार स्वरूप है, वो केवल है भगवान का नाम। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोले, और एक बार, कोई बोल नहीं रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब उन्होंने उनको बताया कि तुम लोग ब्रजमंडल में जाओ, वहां पे नारद जी की कुंड है और वहां पे उद्धव जी का स्थान है, क्योंकि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के जा रहे थे, वो गोपनीय वार्ता जो रहस्य है, वो रहस्य को उद्धव जी को देके गए थे कि मैं किस रूप में इस धराधाम पे रहूंगा, जाते हुए भी मैं यहाँ पे रहूंगा। तो उद्धव जी एकमात्र साखी है, उद्धव जी एकमात्र ज्ञाता है कि अभी किस कहां पर भगवान स्थित है। तो आप लोग उद्धव जी के पास जाओ। तो सभी लोग वहां से बजरना परीक्षित और 16,100 पटरानी सभी मिल करके गोवर्धन की कुसुम सरोवर के निकट आते हैं और वहां पे आकर के बड़े मनोरम सुंदर रूप से कीर्तन करते हैं। जब कीर्तन खत्म होता है, श्री उद्धव जी वहां से लता पताओं से उठ करके आ करके विराजमान हो जाते हैं। बड़ा ही सुंदर स्वरूप उनको वर्णन करते हुए वेदव्यासी ने लिखते हैं, गुंजा माला धरण गायन बल्लभी बल्लभम हो, कि वो गुंजा माला को धारण करते हुए अत्यंत प्रियतम अत्यंत मनोरम, जैसे कृष्ण का स्वरूप है ऐसे ही स्वरूप युक्त होकर के उद्धव जी वहां पे प्रकट हुए। बड़े ही प्यार से परीक्षित को, बज्रनाभ को उन्होंने गले में लगाया, वहां पर उनको उत्तम आसन प्रदान किया गया। उस आसन में दृढ़ होकर के सारे ब्रजवासियों को उन्होंने श्रीमद् भागवतम की ये महिमा सुनाई, जो स्कंद पुराण में उनकी ये वर्णन आती है। कहते हैं क्या, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवते ही तदा कृत्यते स्वीयते चापि श्री कृष्णम तत्र निश्चितम। कहते हैं कि सभी लोग ध्यान से सुनो, भगवान कहाँ पे होते हैं, हम भगवान को ढूंढने के लिए न जाने कहाँ से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम होकर के आ जाते हैं, परंतु भगवान कहीं नहीं मिलते हैं। परंतु मिलते तो कहाँ पे, कहते श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवते तदा, जो भागवत को अंगीकार कर चुके हैं, ऐसी साधु के मुख से
जहां पर श्रीमद् भागवतम की चर्चा होती है, कृतते सूर्यते चापि श्री कृष्णम तत्र निश्चितम, कहते निश्चित रूप से भगवान की अधिष्ठान वहां पर होती है। बोले राधा गोविंद भगवान की। तो ऐसी श्रीमद् भागवतम की महिमा है। यहाँ पर अभी श्रीमद् भागवतम की जो कथा हो रही है, यहाँ पे कथा नहीं हो रही है, साक्षात राधा और कृष्ण के आंगन में बैठ करके, उनके सानिध्य में रह करके इस पवित्र कथा को हमको पान करने के लिए सौभाग्य मिला है। तो कहते हैं क्या कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगाहा, कहते हैं कि देखो जहां जिस स्थान पर भगवान की कथामृत नहीं होता है, न यत्र यज्ञ मखा महोत्सव, जहां पर भगवान की कोई जन्म उत्सव पालन नहीं किया जाता है, राम नवमी नहीं होता, कृष्ण जन्माष्टमी नहीं होता, राधाष्टमी नहीं होता, नरसिंह चतुर्दशी नहीं होता है, वहां पर सुरेश लोक हो किम न वही सभ्यता, जहां पर ऐसी भगवान की कथा नहीं होता, यज्ञ नहीं होता, उत्सव नहीं होता, अगर वो लोक स्वर्ग लोक भी क्यों ना हो जाए, कितने सुख समृद्ध भी क्यों ना भर जाए, वैष्णव लोग साधु लोग वहां पे एक क्षण भी रहने के लिए इच्छा नहीं करते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम सभी जो देव वस्तु है सबको देने के समर्थ है। कहते हैं पिता मातृश्च कुल भार्य च कुल पंति सुतारता, कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम जो श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवतम की श्रवण के माध्यम से भाई के कुल, पति के कुल, पितृकुल, मातृकुल, सारे कुल की उद्धार हो जाता है। वहां पे कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र तद गृह तीर्थनाथ तद गृह तीर्थनाथ तीर्थ रूपम, कहते हैं कि जो जहां पर श्रीमद् भागवतम की शास्त्र रहता है वो घर कैसा है, वो घर तीर्थ रूप है, और वहां पे क्या है कि सारे पापों की नाश हो जाता है, सर्व उपद्रव नाशनम सर्व रोग उपशमम शांतिदम, वहां पर सारे रोग हट जाते हैं, वहां पर सारे उपद्रव है वो खंड हो जाते हैं। एक सच्चा घटना मैं आपको सुनाता हूँ। मैं जब घर पे रहता था, हमारे घर के ही पास ही घटना है, तो श्रीमद् भागवतम की कितनी महिमा वो मैंने खुद ही मेरे आंखों से अनुभव किया, आंखों से देखा और मैंने अनुभव किया। एक बार एक व्यक्ति हमारे पड़ोस के कुछ तीन चार मकान छोड़ के रहता था, उसने उनके जो माता पिता थे वो गुजर गए थे, एक पत्नी थी, पत्नी भी कुछ बीमार के कारण, नया नया शादी हुआ था, कुछ बीमार के कारण दो तीन दिन शादी के बाद ही वो मर गई। जब मर गई और ये जो आदमी था वो कहीं दूर गया हुआ था, जब घर पे आया देखा तो उसकी पत्नी गुजर गई है, अब घर पे अकेला बेचारा। तो कुछ दिन बाद उसने क्या किया, देखा कि कोई एक स्त्री कोई बाहर से आती है और बाहर आकर के केवल रात में ही उसके साथ मिलता है और सुबह होते ही वो चली जाती है। बहुत दिन ऐसे होने के बाद लगभग 10-15 दिन, अब एक दिन अमावस्या की रात आना ही था, बस उसी दिन उसका मतलब अमावस्या की रात होना था, उसने आया घर पे, जो ही विश्राम करने गया अब वो स्त्री आके पहुंच गई, उसमें वो बड़ा ही आसक्त हो गया था और देखा कि धीरे धीरे उसका जो शरीर है, शरीर से कभी खून की उल्टी हो रही है, कभी चक्कर आ रहा है, हम लोगों ने खुद देखा, वो इतना पूरा तगड़ा आदमी था, अब 15 दिन के अंदर अंदर वो पूरा सूख गया था, और हमारे जो मोहल्ले वाले सब इस बात को देख रहे थे परंतु किसकी सांस नहीं हो रहा था कि आखिर क्या कारण है, इसका क्या हो रहा है, तो शायद इसको कोई मतलब चिंता के कारण बीमारी लग गया हो, परंतु वो किसी को बोल भी नहीं पाता था। संयोग बस क्या हुआ, जिस दिन वो अमावस्या की रात पे घर पे आएगा तो वो ग्रोसरी दुकान पे गया हुआ था, उसको चीनी की जरूरत थी, एक ही व्यक्ति है अब चीनी क्या करेगा ज्यादा लेकर के, तो एक पुड़िया में थोड़ी सी चीनी लेकर के वो बांध करके उस कागज में चीनी बांध करके अपने पॉकेट में ही डाल दिया था। जैसे ही नित्य प्रति वो औरत आती है और रात को आकर के उसके साथ मिल करके सुबह होते ही चली जाती है, उस दिन भी आई और आकर के तुरंत चिल्लाने लग गई कि भाग जाओ, वहां फेंक दे। तो बोला क्या फेंक दूं, बोले तुम्हारे पॉकेट में जो है जो पुड़िया है उसको फेंक दे। क्यों फेंक दूं, बोले कि उस पुड़िया में क्या है बता, मैं बोल नहीं सकती, उसको तुरंत फेंक दे। अरे बोल तो सही क्या, तो उसको तब संदेह उत्पन्न हो गया कि वास्तव में क्या है ऐसा चीज जिसको ये
देखना भी नहीं चाहती, उसका नाम तक भी लेना नहीं चाहती, उसको तो डर सा हो गया। अब उसकी बिकटाल रूप अपने सामने उसने दिखाया। अब ये जो बंदा था ये तो पूरा घबरा गया, डर गया। इतने में क्या होता है, वो चिल्ला करके सब अड़ोस पड़ोस को बुला लिए, हमारे जो पिताजी भी थे वो भी गए थे, तो सारे लोग देख रहे हैं कि एक जो अंदर उसके अंदर एक अतृप्त आत्मा थी और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मैं उसकी वही पत्नी हूँ जो दो दिन बाद, शादी के दो दिन बाद में मर गई थी, और जो 15 दिन से मैं इसकी खून चूस रही थी, केवल आज की रात, आज अमावस्या की रात में इसका मैंने निधन कर देना था, परंतु एक घटना घट गई, ये जो पॉकेट में जो पुड़िया रखा है ना इसमें कुछ लिखा है। तो तुरंत उसने खोल के देखा, क्या लिखा है, देखा कि श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक लिखा हुआ था, और उस श्लोक को देख करके वो और जोर से चिल्लाने लगी और वहां पे बोला कि ये तो श्रीमद् भागवतम से। इतना ही कह करके, जब इतना ही कह दी, इतने में ही वो जो औरत थी तुरंत वहीं गिर पड़ी। देखा तो वो कोई औरत और है, और वो जो जो उसकी जो पत्नी थी, अतृप्त आत्मा थी, वो कहाँ उड़ के चली गई। इसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, इसकी चिकित्सा हुई और धीरे धीरे इसने अपने ठीक होने लगा। तो यहाँ पर देखो कैसे एक बंदा जो मरने वाला था, एक केबल पुड़िया में उसने तो रखा था, उसको तो पता भी नहीं था कि ये श्रीमद् भागवतम की कोई कोटेशन है। इतना करने के माध्यम से अगर हमारे प्राण बच जाता है, और वो अतृप्त आत्मा श्रीमद् भागवतम की उच्चारण नहीं कर सकती। जब उसने केवल श्रीमद् भागवतम की श्लोक को सुना और तुरंत ही उसके साथ उसकी मुक्ति हो गई। जो साक्षात रूप में भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर विराजमान हो करके राधा गोविंद की ऐसी सुंदर लीला पुरुषोत्तम महीना में महाराज जी के मुखारविंद श्रवण कर रहे हैं, क्या भागवतम हमारी उद्धार नहीं करेगी? कहते हैं निश्चित रूप में। तो यहाँ पे भूई कह रहे हैं कि तत्र निश्चितम, दृढ़ता रखो, हाँ मिलेंगे भगवान, जरूर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे उद्धार सबकी होता है, धुंधकारी को उद्धार हुआ प्रेत योनि से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी प्रकार से चांडिल्य मुनि ये बात को कह रहे हैं, और यहाँ पे उद्धव जी श्रीमद् भागवतम इस महिमा को सुना रहे हैं कि एकमात्र भागवतम के शास्त्र अगर किसी को आप दान में देते हो, कहते हैं कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्तिते, अगर किसी व्यक्ति को आप भागवत शास्त्र की दान करते हो तो वो आपको भगवान के विष्णु लोक में अनंत कोटि जन्म तक निवास करोगे। कहते हैं जो इस भागवतम शास्त्र की एक तथा एक आधा श्लोक तथा एक चौथा श्लोक भी पढ़ते हैं, क्या कहते हैं कि उनके लिए मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, सारे रोग मैं हटा देता हूँ, ये जो शास्त्र ही कल्प वृक्ष है, जो मांगो वही मिलेगा। तो यहाँ पे नारद जी को वेदव्यास जी को नारद जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम की महिमा, ब्रह्मा जी को विष्णु कह रहे हैं, पार्वती जी को शंकर कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े अगर लोग कह रहे हैं तो क्या कहना, बाहर की लोगों की क्या कहना और क्या सुनना। लोग आपको टोकते हैं कि देखो तुम वहां मत जाओ, भागवत में बैठने से क्या मिलेगा, आज तक तुमने कभी अपने आंखों से देखा किसी को कुछ मिलते हुए? मैंने भी कई बार ऐसे लोगों को देखा, परंतु क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, मृत्यु के बाद आपको पता चलेगा। महाराज जी बड़े उदाहरण देके आपको समझाएंगे आगे चल के किस प्रकार से मृत्यु के बाद, और इसकी जो धुंधकारी था किस प्रकार से उसका उद्धार होने के बाद, तुरंत मरने के बाद उसका प्रेत योनि प्राप्त हुआ, और प्रेत योनि से भागवतम श्रवण के माध्यम से तुरंत उसको वैकुंठ लोक में जाना पड़ा। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम की महिमा श्रवण कराए, और वहां से एक महीना तक जो गिरिराज जी के तट देश पर बैठ करके सारे 16108 पटरानियों के साथ वज्रनाथ जी को स्वधाम में ले गए। बड़े सुंदर ही उनके लिए वैकुंठ से गोलोक वृंदावन से रथ में विराजमान होकर के वो जा रहे हैं, और यहाँ पे परीक्षित महाराज हस्तिनापुर लौट आए। धीरे धीरे परीक्षित महाराज आगे चल करके जो सुख शास्त्र है वो केवल परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के लिए शास्त्रों को जाना जाएगा, इसीलिए उन्होंने गए नहीं। तो इस प्रकार से शुद्ध गोस्वामी संगादि ऋषियों को बोलते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम शास्त्र है इसको श्रवण करने के लिए भी अधिकारी व्यक्ति चाहिए। अब हमने शास्त्र की महिमा तो सुन ली है, परंतु वो व्यक्ति जो श्रवण करेगा उसके लिए उसका अधिकार क्या होना चाहिए? कहते हैं जो श्रोता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रबर श्रोता जो कि बहुत अच्छे हैं, एक है अबर यानी कि जो बहुत निकृष्ट है। कहते हैं क्या प्रबर श्रोता कौन है? प्रबर श्रोता चार प्रकार के हैं, उसमें उदाहरण देते हैं चार प्राणियों की।
प्रभ्रास चातक हंस सू को मीन दयस्त था। चातक, चातक पक्षी जानते हैं आप? चातक एक ऐसा पक्षी है वो हर एक जगह की जो पानी वो नहीं पिएगी, पिएगी तो किसकी पानी पिएगी? एक नक्षत्र में पानी बारिश होती है और उस बारिश की जो पानी होती है केवल उस बारिश के पानी को वो पिएगी। स्वाति नक्षत्र करके एक नक्षत्र है, अगर उस समय बारिश हुई हुई तो पिएगी, नहीं तो मर जाएगी, परंतु कहीं और पानी नहीं पिएगी। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में कई सारी चीजें आती है कर्म की। जैसे यजाति महाराज भोग करने के लिए अपने जो बेटा था, बेटा की भी यौवनता को लिए और भोग किया, तो कई बार लोगों को ये भी पसंद होता है, परंतु कहते हैं कि ये तो श्रीमद् भागवत में आता है कथा, परंतु उसके सार को लो। तो इसीलिए कहते हैं कि कर्म ज्ञान होते हुए भी भोग की चीजें यहाँ पे वर्णना की गई है, परंतु हमको लेना तो क्या लेना है, भागवतम की जो भगवान की प्रेम उसको लेना है। जैसे वो स्वाधि नक्षत्र की ही पानी पिएगी, ऐसे ही हम भगवान की केवल लीला कथा में ही अनुप्रवेश होगा। फिर कहते हैं कि हंस, हंस देखना आप, हंस को आप दूध दीजिए, वो दूध को पिएगी और उसमें दूध में जो तरल जो जल की अंश है उसको छोड़ देगी। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम की जो सार है उस सार को कई लोग ग्रहण करते हैं, तो वो उनकी श्रेणी, हंस की श्रेणी में आते हैं जो केवल सार को लेते हैं और असार असार को छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं हंस सुख, सुख पक्षी जानते होंगे, सुख पक्षी को हमेशा मीठा फल आनंद आता है, जो मीठा फल है उसमें उसको आनंद आता है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जितने भी भगवान की प्रेममय कथा है, लीलामय कथा है, भगवान कैसे वृंदावन में माखन चोरी लीला की, गोवर्धन को उन्होंने धारण किया, गोपियों के साथ रास रचाए, तो ऐसे जो मधुर मधुर भगवान की कथा है इसमें जिसका रुचि रहता है वो सुख पक्षी के अंदर आते हैं, उनकी श्रेणी में आते हैं। कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं जो कहते हैं मीन यानी कि मछली, मछली हमेशा क्या करती है, पानी की गहराई में रहती है, उसको बाहर आने में आनंद नहीं आता। तो इसी प्रकार से जब भगवान की कथा चल रही होती है, कुछ श्रोता होते हैं जो कि भगवान की कथा में ऐसे डूब जाते हैं जैसे पानी के अंदर मछली, तो इसीलिए उनको आनंद नहीं आता कि बाहर की क्या क्या कहाँ चल रहा है, कूलर बंद हो गया या पंखे चल रहे या नहीं चल रहे हैं, तो इनमें उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमेशा केवल कथा कथा के अंदर ही रहता है। तो चार प्रकार के जो निकृष्ट श्रोता है उनकी भी वर्णना कर रहे हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक भेड़िया है, भेड़िया वाला श्रोता कौन है, जैसे कोई एक व्यक्ति बैठ के कथा सुन रहा, अब एक व्यक्ति उसके बगल में बैठा हुआ वो खुद तो कथा नहीं सुन रहा है और उसको सुनने भी नहीं दे रहा, तो ये जो है ये भेड़िया के अंतर्गत आते हैं। भेड़िया क्या करता है, जब हिरण होता है ना, हिरण को हमेशा अच्छा सुनना पसंद है, जब कहीं मधुर बोल होता है तो आराम से हिरण वहां पे आकृष्ट होकर आ जाता है। अब भेड़िया क्या करता है, भेड़िया देखता है कि मैं तो हिरण को दौड़ के पकड़ नहीं पाऊंगा भाग करके, तो इसलिए उसने क्या करता है, आगे चलते चलते जहां पर वो आकृष्ट होकर संगीत की ओर बढ़ता है तुरंत उसको झपड़ करके खा जाता है। तो कुछ ऐसे श्रोता होते हैं जो एक तो खुद सुनते नहीं है और पीछों और डाल देते हैं ताकि दूसरे भी सुन ना पाए, है ना, ये है। और दूसरे में कहते हैं कि एक पक्षी हिमालय पर रहता है और वो पक्षी क्या करता है, हमेशा जो सुनेगा वो जैसे के तैसे सुना तो देगा परंतु आचरण में वो उल्टा करेगा। अब कुछ श्रोता भी ऐसे होते हैं, सुनेंगे तो पर थोड़े से बाहर जाए, चलो उनका जो उठपटांग काम है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं सिगरेट लगाना शुरू, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं गाली गलौज करना शुरू, अरे वो क्या कथा सुनाएंगे, वो हम जानते नहीं है क्या, वो हमें सुनाएंगे, तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। कहते हैं कि ये निकृष्ट श्रोता है। कहते हैं बेल, जैसे बेल के सामने आप कुछ भी रख दो, फूल भी रख दो, फल भी रख दो, भूसा भी रख दो, उसमें रस एक प्रकार की उसको आता है, वो किसी में अंतर नहीं दिखेगा, किसी में तफात नहीं देखेगा, वो भूसा को भी जो आनंद लेकर के खाएगा, फल को भी, एक सेब भी रख दो उसके लिए वो भी समान है। कहते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, भागवतम में तो भगवान की लीला में ही कथा भी आती है, सुन के मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और कुछ असुरों की भी कथा आती है, कहते हैं कि सबको एक मान के चलते हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि भगवान की रसमयी कथा क्या होता है, असुरों की क्या कथा होती है। कहते हैं ये बेल के अंतर्गत आते हैं।
कहते हैं एक और श्रोता है जिसके जिसकी जो ऊंट की श्रेणी में आते हैं। ऊंट क्या कहता है, अच्छा कि अच्छा उसको दो, वो खाएगा नहीं, वो जाकर के नीम के पत्ते खाएगा, झाड़ियों में बबूल की पेड़ को खाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो खाएगा ना तो उसमें जो कांटा है उसके जीभ में चिपक करके उसमें से जो खून निकलेगा। अब झाड़ियां खा रहे और जो नमकीन नमकीन खून वो भी उसके साथ मिला करके वो खा रहा है, वो गधा क्या सोच रहा है, सोच रहा है कि मुझे तो नमकीन नमकीन सी झाड़ियां खाने के लिए मिल रहा है। तो इसी प्रकार से भागवतम में जो भगवान के अति सुंदर मनोरम कथा आती है, कई व्यक्ति की उसमें मन नहीं लगता। जैसे कंस ने कैसे भगवान को मारने के लिए असुरों को भेजा, हम भी ऐसे जाके मारेंगे उसको, हमारे पड़ोस में रहता है बड़ा तंग करके रखा है उसको, हमने भी ऐसे मारेंगे। कंस की इतना प्रताप था, हम भी प्रताप दिखाएंगे कि भाई हम भी कंस हैं, तो बड़ा सर्टिफिकेट लेते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ो। तो ये आते हैं उनकी श्रेणीगत, कहते हैं कि पारायण चार प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होता है सात्विक पारायण। सात्विक पारायण क्या है? सात्विक पारायण कहते हैं कि समस्त आनंद वर्धनम, एक महीना तक समस्त आनंद से युक्त होकर के जो कथा सुनते हैं, जो श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ कथा सुनते हैं, वो है सात्विक पारायण। और एक है राजसिक पारायण, बड़ा अच्छा सुंदर आडंबर प्रस्तुत किया, अच्छे से अच्छे पंडाल लगवाए, अच्छा अच्छा लोगों को सारे व्यवस्था सुविधा कर दिया, प्रसाद की भी व्यवस्था बन गई, परंतु केवल कथा सुनने में थोड़े से ही तो रुचि है पर ज्यादा नहीं है, उसको बोलते हैं राजसिक पारायण। राजसिक भावना, राजाओं के जैसे थाड़ बाड़ में करेंगे परंतु कथा में रुचि कम होगी। फिर कहते हैं कि तामसिक पारायण क्या है? तामसिक पारायण वो है जहां पर केवल श्रद्धा की ही अभाव है। हम आप लोग यहाँ पे क्यों आए? श्रद्धा से कथा सुनने के लिए कि हाँ भाई पुरुषोत्तम महीना है, इस महीना में भगवान के लिए किए गए थोड़े से भी हमको जाकर के बहुत बड़ी वस्तु की प्राप्ति कराएगी। तो ये जो श्रद्धा है, चाहे वो लौकिक हो और चाहे वो पारलौकिक हो, तो इस प्रकार से श्रद्धा से युक्त होकर के जो कथा सुनना वो क्या है? वो है सात्विक। परंतु इस प्रकार से उल्टा सुनना, परंतु उसको कहते हैं कि तामसिक पारायण, जिसमें श्रद्धा ही नहीं होता है और खाली आके बैठ गए और हमको लोग देख रहे हैं, अच्छा वहां पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, वहां पे इतने लोग आते हैं तो जब हम जाएंगे हमको भी लोग देखेंगे, अच्छे से अच्छे पहन के आना, लोगों को दिखाना, तो इसको कहते हैं कि तामसिक पारायण। परंतु इन तीनों पारायण से बढ़कर जो एक पारायण है उसको कहते हैं निर्गुण, जो ये रज तम और सत्व के अंदर नहीं आता। वो क्या है? कहते हैं कि जो भगवान की कथा केवल जिनका प्राण हो गया है, भगवान कहते हैं ना कि मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसो नाहम तिक्षामि तम नरम। कहते हैं कि जो मेरे कथा की वाचन करते हैं, जो मेरे कथा को कर्ण के माध्यम में श्रवण करते हैं और जो मेरे कथा में प्रीति रखते हैं, ना अहम तिक्षामि, मैं कभी उस व्यक्ति को त्याग नहीं करता। और भाई हम तो भगवान को पकड़ते हैं और छोड़ते हैं, पकड़ना भी जितना आसानी से पकड़ते हैं, छोड़ना भी उतना आसानी से छोड़ देते हैं। परंतु अगर भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति को मैंने पकड़ लिया, क्या कोई छोड़ पाएगा? भगवान के हाथ से कभी किसी उसको कहीं छुड़ा पाएगा? अरे भगवान की तो पकड़ना अलग बात है, भगवान की माया जिसको पकड़ लिया, कहते हैं ना कि दैवी है सी गुणमयी मम माया दुरतया, भगवान की जो माया है, माया जिसको बांध लिया उसको भी कोई छुड़ा नहीं सकता, केवल भगवान चाहे तो, भगवान के भक्त चाहे तो। और भगवान जिसको लिए कह रहे हैं कि मैंने उसको पकड़ लिया, किसको पकड़ते हैं भगवान? भगवान पकड़ते हैं जो मेरी कथा को सुनता है, जो उनकी कथा को सुनता है। तो इसीलिए जो निर्गुण कथा है वहां पर क्या है, केवल भगवान की कथा को प्राण बना देना, इसको कहते हैं निर्गुण कथा। और यहाँ पे सुध गोस्वामी कहते हैं कि जो वक्ता है उस वक्ता का भी क्या लक्षण है, वक्ता का ये लक्षण है, सबसे पहला है भगवान मति, कि भगवान में जिनकी मति है। अब हम देखते हैं कि हम जहां से कथा सुन रहे हैं उनकी कैसे है, श्री गुरु महाराज जी हमारे सामने विद्यमान, इनकी कथा एक साल में एक कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन भगवान की कथा बोल के रहने। अभी आप अब की बार देख लो, सुबह ही भागवत करके महाराज जी आए, चार घंटा बैठे बैठे, और यहाँ पे भी आए इतने गर्मी में 45 डिग्री में भी, आप गढ़ीवासियों के लिए महाराज जी किस प्रकार से आप यहाँ को कथा सुना रहे हैं इतने गर्मी में, ये तो कुछ भी नहीं।
आगे और कहाँ कहाँ कथा है, कहाँ कहाँ पे जाना पड़ेगा उनको, वो सब 3-4 महीने के लिए उनका शेड्यूल बन जाता है। तो क्या है भगवान की कथा में रुचि, शरीर के भी कोई बोध ना रखते हुए उन्होंने कथा के ही प्राण बना रखा है, तो ये भगवानमती है, वक्ता का सबसे पहला लक्षण। द्वितीय जो कहते हैं कि सुहृद, यानी कि दया भावना, कभी विचार ये नहीं करते कि ये धनी है मैं धनी के पास जाऊंगा, ये निधन है निधन को मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। महाराज जी ऐसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर बच्चे, उनके जो पिता लोग हैं बच्चों को लेकर के आते हैं कि बाबा तो इनको अपने पास ही रख लो क्योंकि हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, और महाराज जी वहां पे भी उनको कृपा करने के लिए जाते हैं, उनको भी कथा सुनाते हैं। कोई ये नहीं देखते हैं कि इस पंडाल में 1000-1500 लोग होंगे, कोई और पंडाल में 10-12 लोग होंगे। और ये यहाँ की भी प्रतिदिन बात है, हम जहाँ पर सवेरे महाराज जी कथा करके आए मुश्किल से 15-20 लोग होंगे, उनके लिए भी महाराज जी 4 घंटे निकालते हैं। तो इतना कथा में जो जो एक व्यक्ति का जो आदर है और जो श्रोताओं के मंगल जो सोचते हैं, यही वक्ता का सबसे बड़ा लक्षण है। इसको बोलते हैं सुहृद। घनार्थी सबको ही हो सकते हैं, पर कृष्णार्थी बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जो भगवान की चरण कमलों में रति रखते हैं, केवल उनकी कथा को नित्य प्रति अपने जिंदगी में उतार चुके हैं, भगवान के सारे लक्षणों को अपने जिंदगी में उतार करके सारे जगत में प्रचार कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की मुख से कथा सुनना बड़े भाग्य से इस कलियुग से प्राप्त होता है। बोले श्री गुरु महाराज की। अब कहते हैं कि जो श्रोता है, श्रोता को कैसे बैठना चाहिए, एक उदाहरण से समझाते हैं कि जो श्रोता है ना, श्रोता को हमेशा न्यून होकर के बैठना पड़ेगा, वो हमेशा अज्ञा होकर के बैठे रहे, ये बात को कह रहे हैं। कैसे, जैसे कहते हैं कि हनुमान जी को उदाहरण देते हैं कि हनुमान जी कौन है, हनुमान जी के लिए कहते हैं अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्त्व मुनिन्द्र ही परम, कि जितने भी बड़े बड़े मुनि लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, उन सब में जो शिरोमणि है अग्रे वाचयति, सबसे पहले अगर माइक किसको दिया जाता है तो वो किसको, हनुमान जी को। परंतु ऐसे हनुमान जी अब जहां पर राम कथा होते हैं वो तो छोड़ नहीं सकते, आएंगे बैठेंगे, परंतु बैठेंगे कौन बैठ रहे हैं, जो सब ज्ञानियों के शिरोमणि है वो बैठेंगे सबसे पीछे। और कथा कैसे सुनेंगे, कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि बाष्प बारी वायुरुद्ध पूर्ण वायुरुद्ध लोचनम मारुति नमत रक्षसम। कहते हैं कि जैसे कंठ गदगद हो जाए, आंखों से अश्रु, भगवान की राम को कथा सुनते हुए जो प्रेम की अश्रु, और जितने भी अष्ट सात्विक विकार के साथ बड़े अज्ञा बन करके जैसे कुछ भी नहीं जानते राम की, अभी अभी मैं सुन रहा हूँ मेरे प्रभु की कथा, तो ऐसे होकर के सुनते हैं। तो इस प्रकार से सनकादि ऋषियों को शुद्ध गोस्वामी बड़े अच्छे से भगवान की कथा को धीरे धीरे सुना रहे हैं। हमारे भी बड़े सौभाग्य है जो महाराज जी के सानिध्य में आकर के उनके मुखारविंद से सुनने के लिए मिल रहा है। आगे चल करके हम सारे भगवान की लीला को सुनेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल, आप लोग इतना कथा सुने के लिए ताली नहीं हो जाए। एक भजन का एक भजन सब सब कूलर को पास में बैठ गया, हवा लगती है सामने बैठ, इतना खाली जगह आपको लेकर दिया, वहां तो हवा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरमला देखो, श्री राधे मंगल रस की क
करते न समा दुल्हन प्यारे राधिका ये दूल्हा सा सजा ओ मेरी लगी श्याम संग तेरी ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग तेरी दुनिया क्या जाने लगी श्याम संग तेरी ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग तेरी दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने Yeah.
चंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पगरुर्भ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीसह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं जन्म प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोस्मि नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा कर बोले हरे कृष्ण बोला कृष्ण कृष्ण कोई बोल नहीं रहे हरे राम 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 हरे जोर कर बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। कथकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे ये श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को। कहते किसी ग्रंथ की महिमा को अगर हम समझना चाहते हैं कहते चार ही दृष्टिकोण से वो ग्रंथ की महिमा को ऊपर विचार करनी चाहिए। बोले पहला नंबर है ये भागवत कथा कौन सुन सकता है। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परी की बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लब्धम बोले एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय होगा ना तभी ये कथा में कोई बैठ सकता है। अगर कोई बोले भैया हमने तो कोई पुण्य ही नहीं क्या पापी पाप की क्या ये कथा नहीं सुन सकते हैं। इसलिए कल हम लोग सुन रहे थे कि ये दुनिया में धुंधुकारी जैसे कोई पाप नहीं होगा जिसने अपना पिता को इतने पिटाई की पिता घर छोड़कर भाग गए मैया को उसने इतने सताए मैया कुएं में आत्महत्या की घर में उसने छः छः बेस्याओं को बुला करके लाए और उसने जितने कुकर्म किया सारे कुकर्म उसने किए। जब उसको नाम पर गया में पिंड दिया गोकर्ण बोले तेरे उधार नहीं हुआ बोले मैंने इतना पाप किया है मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड धोना तभी मेरी मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन इतने बड़े पापी को कैसे मुक्ति मिली कदी भागवत कथा से। मतलब है आप किसी तरह से आकर के केवल 7 दिन तक ये कथा में बैठो और ये कथा सुनते सुनते ये भागवत आपको क्या देगा भगवत धाम प्राप्ति करा देगा सारे पाप को तुम्हारी नष्ट कर देगी। इसलिए कथा कौन सुन सकता है सब सुन सकते हैं पाप के पापी सुन सकते हैं। अगर कोई बोले हम क्या कम जानते हैं अरे हमने सब पढ़ रखे हैं हम सब जानते हैं अरे हमने बहुत लिखाई पढ़ाई किया वेद पुराण हमें कथा सुनने का कोई जरूरत नहीं उसी के लिए उदाहरण देते हैं कहते आप श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो ये भागवत कथा में इतने रस है इतने आनंद है जो ब्रह्म ज्ञानी जो गर्भ में 16 साल तक रहे और जन्म होते ही जो पूरा ब्रह्म ज्ञानी बन करके चले गए लेकिन भागवत का एक श्लोक सुने ना वो पागल हो गया।
पागल हो गए केवल एक श्लोक सुन करके। इसलिए कथा कौन सुन सकते हैं? बोले ज्ञानी से ज्ञानी भी सुन सकते हैं और वो पापी से पापी भी सुन सकते हैं। और भगवान की कथा ऐसे है, आप जितने सुनना लगेगा जीवन में पहला बार सुन रहा हूँ। जैसे रोटी, रोटी खाते हो घर में, एक टाइम अगर रोटी नहीं मिले ना, बोले हाय रोटी, दिन भर रोटी का मुंह ही नहीं देखे। अरे रोटी में अगर तुम्हारी इतना आनंद है तो भगवान की कथा में आनंद नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले राम कथा जय सोना का अघाई, राम कथा जय सोना का अघाई, कृष्ण कथा जय सोना का अघाई, कृष्ण कथा जय सोना का अघाई, राखा बीते सजना का तीन राधा बीते सजना तीन नही, आ कृष्ण कथा जय सोना का अघाई, कृष्ण कथा गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई बोले अरे कथा सुनते सुनते हमने तो बोर हो गए, बोले भैया ये समझो को कथा के बारे में कुछ जानता है, कथा के विषय में कोई कुछ नहीं जानता है। इसलिए नारद जी कृष्ण से दो वर मांगे थे। पहला वर था बोले प्रभु जैसे तुम्हारी कथा सुन करके ना किसको विरक्त नहीं हो, बल्कि जितने कथा सुने हैं। इसलिए जब पृथ्वी महाराज जी को भगवान बोले वर मांगो, बोले प्रभु मेरे को 10,000 कान दे दो, भगवान ने बोले भैया दो कान तो अच्छी लग रही हैं, अगर तुम्हारे सर को पर दो कान तो यार में कान, अगर कान ही कान हो जाए अच्छी लगोगे? बोले तुम 10,000 कान क्यों मांग रहे हो? बोले प्रभु कान तो दो ही रहे, लेकिन ये दोनों कानों में 10,000 कानों में कथा सुनने का जितने शक्ति हमारी ये दो कान में उतना शक्ति दे दो। और जैसे यहाँ कथा हो रही है और भी तो कहीं कथा होती होगी, बोले कहीं की कथा जैसे चुप नहीं जाए, जहाँ जहाँ कथा हो मैं उतना रूप धारण करते हुए वहाँ पर जाऊँ और तुम्हारी कथा को सुनते रहूँ। इसलिए कथा सुन करके कभी किसको अतृप्त नहीं होता है, बल्कि जितने सुना मैं तो उतना सुने और सुने है। इसलिए कथा सब सुन सकते हैं। बोले भैया भागवत कथा सुने किसी से? बोले जहाँ तक कथा नहीं सुननी चाहिए, मना किया है। ये कान रूपी दुणा को जहाँ तक मत दिया कर। बोले क्यों? बोले जिनको संबंध ज्ञान नहीं है, संबंध ज्ञान नहीं मतलब जो भगवान कृष्ण को अपना इष्ट नहीं बनाए, जिसको भगवान प्रति इष्ट नहीं है, अगर उसको सुनोगे तो जो देवी को पूजा करता है, शंकर जी को इधर उधर 33 करोड़ देवता पूजा करता है, भैया उसका खुद ही दिमाग सही नहीं, तुम्हारा दिमाग क्या सही करेगा? फिर तुम्हारा दिमाग भी खराब कर देगा, क्योंकि उसका ही दिमाग सही नहीं है, वो एकनिष्ठ भगवान को साथ में उसका ही प्रीति नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा किससे सुननी चाहिए? बोले केवल वैष्णव से कथा सुनो। वैष्णव मतलब है जो भगवान की कृष्ण मंत्र में नहीं तो राम मंत्र में, भगवान विष्णु मंत्र में जो दीक्षा ली, उनसे ही कथा सुनो, सबसे कथा नहीं सुनो। बोले क्यों? एक उदाहरण दिया, जैसे दूध पीते हो रात को सबके सब, बताओ दूध पीने पर क्या होता है? अपना खुदा निवृत्ति होगा, शरीर में ताकत आएगी, है ताकत आएगी। लेकिन अगर दूध में अगर सांप मुंह मार दिया तो फिर क्या होगा बताओ? वो देखने में के लिए तो दूध लगेगा, अगर उसको पियोगे ना पूरा के पूरा तुम्हारी उल्टा रिएक्शन, वो प्राणी चली जाएगी। कहते तो उसी तरह भगवान की कथा अगर भक्तों से नहीं सुन करके अभक्त से कथा सुनोगे ना, फिर वो कथा तुम्हें कल्याणदायी नहीं, वो कथा तुम्हारी अकल्याण करने वाली। इसलिए जैसे समुद्र मंथन से विष भी निकला और समुद्र मंथन से अमृत भी निकला, दोनों चीज समुद्र मंथन से निकली, अगर हम अभक्त से सुनेंगे तो
अरे केवल 20 20 ही मिलेगा, भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। कहते भागवत में विषय विषय क्या है, बोले भागवत में जो विषय है ना, बोले भगवान श्री कृष्ण की कथा है, भगवान कृष्ण की कथा है, हैं, जिसमें भगवान वृंदावन बिहारी श्री कन्हैया की कथा सुंदर सुंदर है। बोले उनको कैसे प्राप्त करनी चाहिए, बोले गोपियों ने जैसे भजन की है, यद्यपि सभी भक्तों ने उनको उपासना की है, सखाओं ने की, सखी माता ने की, उनको दास्य रस में की, लेकिन गोपियों ने जैसे भगवान की भक्ति की, जिसको उद्धव जैसे व्यक्ति भी जब गोपियों की भाव को देखते हैं, उद्धव जैसे व्यक्ति देख कर के चकाचौंध हो जाते हैं और लास्ट में कहते हैं अगर दुनिया में किसकी जीवन धारण करना सार्थकता तो की गोपियों को। बोले क्यों, बोले इनको कृष्ण का प्रति जो प्रेम है, जो प्यार है, कहते मैं स्वयं उद्धव ब्रह्मा शंकर भी जो प्रेम के लिए तरसते हैं, इसलिए मेरे ऐसे कब सौभाग्य होगा ब्रज वृंदावन में घास रूप में जन्म हो। बोले घास रूप में क्यों जन्म लेना चाहते हो, बोले गोपियाँ जब कृष्ण को साथ में मिलने के लिए जाएगी, चल करके जाएगी, अगर घास बना रहूँगा ना, जब चल करके जाएगी उनकी चरण धूलि पड़ जाएगी। और दूसरे चीज प्रार्थना करते हैं वहाँ पर लता पताओं की जन्म मिल जाएगी। बोले क्यों, जब कुंजों कुंजों में लीला करेंगे, अगर हम लता पता बन करके रहेंगे ना, फिर दर्शन हो जाएगा। वो तीसरा चीज प्रार्थना करते हैं वहाँ पर औषधि वृक्ष रूप में जन्म हो। बोले क्यों, अगर कभी ये बीमारी पड़ेंगे ना, दवा तो खाएंगे ही, अगर दवा खाएंगे तो फिर उनके हृदय में चला जाऊंगा। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति जिनके चरण की धूल को उद्धव भी प्रार्थना करते हैं। इसलिए भागवत में जो विषय वस्तु है बड़ी हाई फाई, भगवान की सुंदर सुंदर कथा श्री भागवत में। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। बोले जन्मादस्य जतोन्नयादितरतस्य स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराज तेने ब्रह्म हृदा जो आदि कवये मोहंती जत सूरयो तेजो बारी मृताम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग प्रिशा ध्यामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यं परम धीमहि। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी जब ये भागवत को प्रारंभ किया है, कहते तीन श्लोकों के द्वारा मैंने मंगलाचरण की है। कहते मंगलाचरण का मतलब होता है कोई भी आप काम करो मंगलाचरण को साथ में करो ना, काम बढ़िया होता है, कोई भी काम करो। और हमारे जो बड़े गुरु जी थे, एक गीत गोविंद ग्रंथ है उसमें एक मंगलाचरण जिसको गीत गोविंद कहते हैं, जब वो कोई भी शुभ काम करते थे वो कीर्तन के माध्यम से करते थे, क्योंकि जो कीर्तन में भजन में राधा जी का नाम है, कहीं भी वो श्री राधा रानी का नाम होगा ना, इसलिए कहते ना राधे राधे रटो चले, अरे बोलो राधे राधे रटो चले, उसमें श्री राधा रानी की महिमा है। इसलिए वो गीत गोविंद का जो मंगलाचरण है, कहीं भी ये भजन होएगा ठाकुर जी रह नहीं सकते। अभी संडे को जगन्नाथ जी रथ यात्रा होगा ना, इसलिए कोई देवदासी थी वो ये भजन गा रही थी, बैगन तोड़ रही थी, और जगन्नाथ जी मंदिर छोड़कर भाग गए और उसको पीछे 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 भजन सुनते रहे, और उनकी पिताम्बर सब फट गया, हाथों में सब कांटा की दाग आ गया। वो भजन खत्म होते ही जगन्नाथ चुपचाप सो गए, पुजारी दरवाजा खोल करके देखा नया वस्त्र पहने थे सब फटे हुए और जगन्नाथ जी शरीर में सब कांटा का दाग पड़ा हुआ। राजा को बोले, बोले महाराज देखो ये क्या है। राजा को पता ठाकुर जी बड़े विचित्र लीला करते हैं, बोले ठाकुर जी ये क्या हो गया। बोले चिंता मत करो, मेरी कोई देवदासी थी। देवदासी कौन होती है जानते हो? देखो देवदासी वे स्त्रियाँ होती हैं जो स्त्रियाँ भगवान को ही अपना पति माने, कभी जिंदगी में शादी नहीं करे, सारा जीवन ब्रह्मचारिणी बन करके रहे, प्रतिज्ञा करे हैं केवल कृष्ण ही हमारा पति है, और किसी को स्वप्न में भी और किसी पुरुष को
कभी चिंतन नहीं करे, वही देवदास बनती है। और जब तक ये भजन, इनके भजन नहीं सुनेंगे ना, जगन्नाथ जी सोएंगे नहीं, क्योंकि जगन्नाथ जी को ही अपना पति अपने आप वो गोपी मानती है। जगन्नाथ जी तभी उठेंगे जब ये लोग भगवान के भजन गाएंगे, नहीं तो जगन्नाथ सो कर कभी उठते नहीं है। इसलिए बोले भैया ऐसे कैसे हो गया, बोले कोई चिंता मत करो, मेरी कोई देवदास थी वो राधा रानी का कीर्तन गा रही थी जिसमें राधा जी का नाम है, इसलिए मैंने मंदिर छोड़कर भाग गया था। कोई चिंता मत करो, मैंने राधा जी का नाम सुना, कीर्तन सुना, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजा तब से जगन्नाथपुरी में प्रचार किया, बोले खबरदार ये भजन को जहाँ तहाँ मत गाओ। बोले क्यों? बोले भगवान को कष्ट होता है, भगवान ये मंदिर ही छोड़ करके भगवान भाग जाते हैं, इसलिए तभी ये भजन कहीं गाई जाती है जहाँ पर श्री जगन्नाथ जी की मंदिर हो, ठाकुर जी हो, और जहाँ पर ही गोपाल जी हो ना ठाकुर जी हो, तभी वो भजन गाते। बोले क्यों? बोले नहीं तो ठाकुर का कष्ट होगा ना, ठाकुर जी भाग करके वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी ऑलरेडी यहाँ पर है, इसलिए उसका मैं दो लाइन गाता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोल रहे ठीक है। बोले जय जय दे बाहरे, जय जय दे बाहरे, जय जय दे बाहरे, जय जय दे बाहरे, आ जय जय दे बाहरे, जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल जय यशोदा दुलाल जय जय हरे राधे प्रभु की जय जय श्री राम। जो मंगलाचरण का पहला श्लोक है कहते ये ध्यान है, कहते किसको हम ध्यान कर रहे हैं, कहते वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को ध्यान कर रहे हैं। बोले क्या अकेले कृष्ण को ध्यान कर रहे? बोले नहीं अकेले कृष्ण नहीं, बोले राधा जी को साथ में श्री कृष्ण को ध्यान करनी चाहिए। तात्पर्य है अकेला कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए,
अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, माई का शांति करो, बोले अकेले कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए, बोले राधा जी को साथ में कृष्ण पूजा करनी चाहिए। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं जो अकेले कृष्ण को पूजा करते हैं ना वो अज्ञानी है, इसलिए उनको कृष्ण नहीं मिलते हैं। अगर कृष्ण को पाना चाहते हो कहते पहले तीन चीज को अपनाओ फिर जाकर के कृष्ण तुम्हें मिलेंगे। कहते भैया वो तीन चीज क्या है, तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की बात को कहते हैं, बोले अनाराध्य राधा पदा भोज रेणो अनाश्रित वृंदावनम तद अटवीं असंभास तद भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंधु रस श्याव गाओ। अगर कृष्ण भक्ति रस में डूबना चाहते हो पहले क्या करो, पहले श्री राधा जी की चरण को आश्रय करो, दूसरी चीज राधा रानी की चरण तो द्वारा अंकित जो वृंदावन धाम है श्री वृंदावन धाम को आश्रय करो, और तीसरी चीज की सबसे ज्यादा महत्व है राधा जी की भक्ति में जो संत डूबे हुए हैं कहते उनके चरण को आश्रय ग्रहण करो, फिर तो जाकर के तुम्हें कृष्ण मिलेगा। नहीं तो कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं मिलते, कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं मिलते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या मिलती है, राधा रानी मिलती है, और राधे राधे बोलने से श्री कृष्ण मिलते हैं। इसलिए जो पहला जो श्लोक है ये ध्यान है, कहते श्री जुगल सरकार की हम सबके सब श्री उपासना करते हैं, बोले श्री जुगल सरकार की, बोले जो दूसरी जो श्लोक है बोले ये प्रतिज्ञा करता है, बोले प्रतिज्ञा मतलब देखो भागवत कथा की कितने महिमा, जैसे कड़ी में बरात हल में कथा हो रही है, अभी आपने कथा भी नहीं आई घर में बैठे हो लेकिन आपको पता चला यहाँ कथा हो रही है। अगर किसकी मन में केवल इतनी इच्छा हो जाए मैं कथा सुनने जाऊंगी नहीं तो जाऊंगी, इतना इच्छा मात्र से ही भगवान आकर उसको हृदय में ऐसे बंध जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं, ठाकुर जी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता, केवल सुनने की इच्छा मात्र से ही। इसलिए श्री श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत वा अनुमोदित सत्य पुनाति सद्धर्मम जानति विश्वद्रोह भी। देखो ये कथा की कितने महत्व है, बोले श्रुत अगर कोई कथा सुने, अगर ये नहीं हो कोई अगर पढ़े, अगर ये भी नहीं हो, अगर कहीं कथा हो रही है किसी ने अगर इतनी सी बात बता दी, बोले भैया भागवत कथा हो रही है बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कथा होनी चाहिए। अगर इतना कोई बोल दिया ना कहते जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, किसी ने देवद्रोह किया, किसी ने ये विश्वद्रोह अगर किया भी, इतना बोलने पर वो सारे पाप से मुक्त होकर के भगवत धाम को चला जाता है। हमारी यहाँ काली दीदी बता रही थी, हम घर घर में कुछ भिक्षा लेने के लिए गए थे और गढ़ी के लोग इतने अच्छे हैं, सब लोग बड़े तारीफ कर रहे थे, बोले बहुत अच्छी बात है भागवत कथा हो रही है बहुत अच्छी बात है। तभी देखो गढ़ी के सचमुच से ही गढ़ी है, गढ़ी मतलब क्या, जहाँ भगवान कृष्ण भक्ति की गढ़ी है, गढ़ है, इसलिए तभी तो इतने गोपियाँ आए हो कथा सुनने के लिए। हाँ इसलिए ये गढ़ी के सब गुजर है ना, गुजर कह कृष्ण गुजर है और तुम लोग सब गुजरी हो, हाँ इसलिए गुजरिया खोल किवरिया तेरे घर में आया हुआ है। इसलिए केवल कथा की अनुमोदन करने पर उसको सारे पाप खत्म हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं शुश्रूषु भी तत्क्षणा, उसी समय में कहती है भागवत की प्रतिज्ञा है, जगत का नियम है कुछ करो घर मिलेगा, लेकिन भक्ति में इतने महिमा, भक्ति की एक विशेष महिमा है, अगर मन मन में भी अगर कोई चीज को सोच लिया ना फल मिल जाएगा। देखो आपको भी छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो, ये भक्ति कितने सरल है, ये ब्रह्मा वैवर्त पुराण की कथा है। बोले एक समय कोई एक गरीबी ब्राह्मण था, बेचारा खूब पैसा नहीं लेकिन भावना तो अच्छी है, इच्छा होती थी कभी ठाकुर को सेवा करे, पूजा करे, ठाकुर जी की सुंदर माला बनाए, ठाकुर जी को पंचामृत, लेकिन गरीबी पैसा है नहीं। एक दिन वो सत्संग सुनते सुनते भगवान खुद कहते हैं, बोले देखो उद्धव जी अगर मेरे को मन मन में भी कोई चीज दे देना मैं खुश हो जाता। वो बड़े खुश हो गया,
अभी वो क्या करता है, घर में बैठ करके सुंदर ठाकुर जी के लिए मंदिर बनाता है, लक्ष्मी नारायण को स्थापन करता है, रोज गंगा पानी में ठाकुर का स्नान कराता है, रोज पंचामृत से दूध दही शक्कर घी से ठाकुर को रोज मन मन में सब कुछ, पैसा तो लगेगा नहीं, मन मन में सुंदर ठाकुर जी के लिए रेशमी वस्त्र जिसमें सोने की जरी की जो एम्ब्रॉयडरी का काम जिसी कपड़े में हो, ठाकुर को रोज पहनाता है, ठाकुर जी को रोज सेवा करता है। एक दिन ऐसे करते 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 उसका मन एकदम भगवान में एकदम डूब गया, एकदम भगवान किसकी मन आविष्ट हो गई, आविष्ट हो गई तो सोचा आज मैं सोने की सिंहासन में ठाकुर जी को बैठा हुआ, मन मन में सोने की सिंहासन बनवाए और बोले आज ठाकुर जी को बड़ी सुंदर खीर खिलाए, गैया का दूध लाए, काजू पिस्ता बादाम डाले और घी डाल करके बड़ा सुंदर खीर बनवाया। बोले ठाकुर जी को सोने की कटोरी में भोग लगाऊंगा, हैं अभी सोने की कटोरी में ठाकुर जी को भोग लगाया। देखो ध्यान देकर चीज समझो, जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना, जैसे अभी गर्मी का समय है, अगर एकदम चूल्हे से उतार करके ठाकुर को खिलाओ तो गर्मी है ना, खा सकते हो नहीं खा सकते हो, इसलिए नियम है सेवा कैसे करनी चाहिए। बोले आत्मबत, आत्मबत मतलब जैसे गर्मी में अब तो आइसक्रीम खाने की इच्छा करते हो, हैं जैसे ठंडा में कोई गर्मी चीज खाते हो, उसी तरह ठाकुर जी को एकदम गर्मी का समय में गर्मी एकदम चूल्हे से उतारे और ठाकुर को भोग लगा दिया, ऐसे नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी ठंडा करके ठाकुर को भोग लगाओ, हैं। और जो ठंडा का समय में ऐसे नहीं बासी पड़ा हुआ एकदम पूरा एकदम ठंडा हो गया ठाकुर को भोग लगाओ, जैसे ठंडा का समय में थोड़ी गर्मी चीज हमें अच्छी लगती है, उसी तरह ठाकुर जी को भी ऐसे लगानी चाहिए। अभी ठाकुर जी की पूरा उन्होंने उतारा कहाँ से, चूल्हे से, और उस सोने की कटोरी में ठाकुर के सामने धर दिया। अभी उसको सोच रहा है ये अभी ये खीर गर्मी ना ठंडा है, उसको थोड़ी सी हम टेस्ट करते हैं, इसने में उन्होंने अंगुल डाले, जब अंगुल डाला ना वो गर्मी था, इतने में हाथ फोफला पड़ गया, एकदम जल गई अंगुल। अभी बैठी बैठी करके रो रहा है, बोले क्यों, बोले खीर के अंदर में अंगुल डाला तो मेरी अंगुल जल गई, मतलब वो खीर हो गया अपवित्र, अभी वो खीर ठाकुर जी की सेवा में लग ही नहीं सकता है, आज ठाकुर जी को मैंने भूखा रख दिया, कुछ खिला नहीं सका और बैठ करके रो रहा था। इतने में वैकुंठ में नारायण बैठे बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही थी, लक्ष्मी बोली प्रभु आप क्यों मन मन में मुस्कुरा रहे, ठाकुर आंख बंद किए हुए और वो भक्त के भाव को देखकर मुस्कुरा रहे थे। बोले प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे, बोले कोई बात नहीं, बोले नहीं जरूरत होगा ना, अपना थोड़ी देर से कोई मुस्कुराएगा, बताओ क्या हुआ है। तो उन्होंने सारी कथा को सुना है, बोले प्रभु जी ऐसे ऐसे भक्त रहते हैं, बोले हाँ, बोले मेरे को भी ले चलो ऐसे भक्तों को दर्शन कराओ। फिर वैकुंठ से गौरुड़ का पीठ के ऊपर में लक्ष्मी को बैठा करके ये मर्त्य जगत में आए और ये भक्तों को दिखा, देखो भक्त कैसे बैठ कर रो रहा है। ठाकुर जी उसको सीधा वैकुंठ ले गए, सीधा वैकुंठ ले गए। देखो ये चीज को समझो, भगवान की भक्ति ही ऐसे एक चीज है, अगर ठाकुर जी को मन मन में भी अगर कुछ दो ना, ठाकुर जी इसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मे भक्त्या प्रजच्छति, मतलब है भगवान कहते हैं देखो ये मत समझो कोई बहुत कीमती चीज देने पर मैं खुश होता हूँ, ऐसे नहीं। इसलिए भगवान गीता में चार चीज का नाम लिया, पत्ता फूल फल और पानी, जो बिना पैसा में जो चीज मिलती है, ये चार चीज के लिए पैसा की जरूरत नहीं, अभी तो जंगल रहा ही नहीं, अभी फूल खरीदी करना पड़ता है फल, लेकिन पहले कोई फल फूल खरीद नहीं करते थे, जंगल में इतने फल फूल होता था, कहीं भी जाओ कहीं से फल फूल को ले आओ। इसलिए जो बिना पैसा में मिलता है ठाकुर जी चार चीज का नाम लिया, अगर भक्ति पूर्वक मेरे कोई देना मैं उससे ही संतुष्ट हो जाता हूँ, ठाकुर जी इतने दयालु। हाँ, और एक चीज को समझो, ध्यान देकर सुनो, एक होता है वित्त साध्य दोष, वित्त साध्य मतलब जानते हो, उसको ध्यान देकर सुनो, जैसे तुम्हारी घर में है पैसा, भगवान तुम्हें कमी नहीं रखा, लेकिन ठाकुर को जैसे जैसे तैसे खिला रहे, ठाकुर जी 10 दिन से एक कपड़ा पहन कर बैठे हुए और खुद दिन में 2 बार अपना कपड़ा बदला रहे हो, हैं ठाकुर जी खुद खुद आइसक्रीम लाकर चकाचक खा रहे हो, ठाकुर जी ऐसे बैठे हुए
नहीं फिर तो पाप लगता है, क्योंकि ठाकुर जी बैठे बैठे कर देख रहे तो क्या कर रहे हैं। अगर भगवान हमें दिया है इसलिए रोज रोज क्या करो, ठाकुर को सुंदर कपड़ा पहनाओ जैसे हम भी अपना कपड़ा पहनते। भगवान दिया ठाकुर का कोई पहला फल आता है ना, भले ही जितने पैसा क्यों नहीं हो, वो फल को भले ही थोड़ा सा हो, वो फल को लाकर पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, क्योंकि देने वाला तो वही है ना। उनको दोगे तभी तो ठाकुर देंगे, उनको नहीं दोगे तो ठाकुर कहाँ देंगे। फल बिक्रियाणी थोड़ी सी फल दे दिया तो ठाकुर जी उसको झोली भर दिए रत्नों से, झोली भर दिए। इसलिए ठाकुर जी बैठे बैठे कर सारे चीज को देखते हैं। इसलिए अगर पैसा है ठाकुर को रोज एक सुंदर माला ला करके ठाकुर को पहनाओ, हैं ठाकुर जी को रोज स्नान कराओ पंचामृत से, नहीं तो कम से कम पानी से अच्छे तरह से। मैं किसी किसी घर में गया देखा ठाकुर जी एकदम काले काले पड़े हुए। मैंने कहा भैया ये कब से ठाकुर को, बोले नहाता हूँ। बोले तुम रोज साबुन सांफुल लगाकर स्नान करते हो, ठाकुर जी को भी स्नान कराते कि नहीं। हाँ देखो जब ठाकुर जी को बीच बीच में दही हो नहीं तो नींबू हो इसमें रगड़ रगड़ करके ठाकुर जी को एकदम अच्छे तरह से ठाकुर जी को स्नान कराओ, ठीक है ना। जैसे लगे ठाकुर जी बैठे हुए ऐसे नहीं, पुराना कपड़ा, पुराना कपड़ा में ठाकुर बैठे हुए। 10 साल पहले कोई कपड़ा खरीद गया था वही, और अपना लिए रोज रोज नई 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 साड़ी पहनते, नई नई सूट सलवार पहनते नहीं। ठाकुर जी की भी इच्छा होता है। और द्रौपदी ठाकुर को क्या दिया बताओ, थोड़ी सी कपड़ा बैंडेज हाथ में कर दी, भगवान उसको भरी सभा में लाज बचाए, ठीक है ना। इसलिए सुदामा 2 मुट्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर क्या दिया त्रिभुवन का संपत्ति दे दिया, ठीक है। इसलिए ठाकुर जी को एकदम बढ़िया से, हाँ देखो मेरे तरफ में, जैसे अपना शरीर को अच्छे तरह से सजाओ, बढ़िया से श्रृंगार करो और शीशा को सामने खड़े हो जाओ। देखना अपना शरीर को सुंदर श्रृंगार की ना, जो शीशा को अंदर में जो परछाई पड़ता है वो परछाई को सजाने का जरूरत नहीं। जैसे ये शरीर को सजाते हो परछाई अपनी आप परछाई सज जाती कि नहीं। इसलिए मूल कौन है, बोले मूल श्री भगवान कृष्ण है। जो व्यक्ति जितने कृष्ण को अच्छे तरह से श्रृंगार करेगा, जितने अच्छे तरह से ठाकुर को सेवा करोगे, खिलाओगे पिलाओगे ना, तुम अपनी आप सज जाओगे, ठाकुर तुम्हें अपनी आप सजा देंगे। क्यों, तुम ठाकुर जी को सजाते हो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए भागवत धर्म की बड़ी महिमा, भागवत कथा की बड़ी महिमा है, हैं? इसलिए जो तीसरा जो मंगलाचरण है कति ये आशीर्वाद है। बोले भागवत हमें क्या आशीर्वाद देता है, आते को ध्यान देकर सुनो। कहते आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो, बोले कहाँ पर बैठे हो। बोले निगमा कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। कहते आप लोग सबके सब ये कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हो। बोले भैया कल्प वृक्ष का मतलब क्या है। बोले जो मांगोगे ना वही मिलेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। गुरु जी एक कथा सुना देते। बोले एक समय कोई एक राजा वो शिकार खेलने के लिए गया, बड़ी दूर चला गया, अभी हो गया शाम, बड़ी जोर से भूख लग रहा था, एक पेड़ को नीचे बैठ गया। उसको पता ही नहीं था ये पेड़ कल्प वृक्ष है। वो पेड़ को नीचे बैठ गया, बैठ करके सोच रहा है अगर मैं राजमहल में होता है ना, कितने सुंदर सुंदर दासियां, कितने सुंदर सुंदर जूस ला करके पिलाते। इतनी इच्छा करते, देखा स्वर्ग से बड़ी सुंदर सुंदरी अप्सरियां उतर करके आ गई और बड़ी सुंदर जूस लाए। बोले महाराज लो पियो। बोले भैया इच्छा मात्र से मिल गया। और सोच रहा है अगर राजमहल में होता है ना, रानी छापान भोग और 36 व्यंजन ला कर रख देती। इतना इच्छा करती, देखा सचमुच से बड़ी सुंदरी सुंदरी अप्सरियां छापान भोग 36 व्यंजन सामने रख दिया। बोले भैया जो मांगता है वही मिल जाता है। बोले अगर राजमहल में होता, बड़े सुंदर पलंग को ऊपर में है, बड़े सुंदर पलंग को ऊपर में झांक जैसे मुलायम, बड़े सुंदर
पलंग को पर विश्राम करता, इच्छा करते पलंग कहीं से आ गया है। इतने में ही हो गया रात, जंगल में शेर दहाड़ने लग गए। बोले भैया शेर नहीं आ जाए, देखा सामने शेर आ गया, क्योंकि कल्प वृक्ष जो मारू कोई मिले, इसलिए बोले ये मेरे को खा नहीं जाए। इतने में झपट मारा और शेर ने खा गया। कहते कल्प वृक्ष का मतलब है जो मांगो तुम्हें वही प्रदान करता है। इसी तरह ये भागवत जो मांगोगे वही देगा। हाँ देखो एक चीज को समझो, भागवत तो जो मांगोगे तो वही देगा, लेकिन हमें भागवत से ऐसे एक चीज मांगो, जो एक चीज मांगोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी है, सब कुछ मिल जाएगी। ऐसे एक चीज मांगनी चाहिए, ये भागवत तो सब कुछ दे देगा। अगर भागवत से अगर हम बताए बेटी की शादी नहीं हो रही, शादी करा देगा, घर में बेटा नहीं बेटा दे देगा, घर में पैसा नहीं पैसा दे देगा। अगर ये चीज को मांगेंगे ना भागवत तो दे देगी, लेकिन आपको भक्ति नहीं देगी, आपको ये भक्ति नहीं दे, बोले यही मांग रहा तो इसको लेकर जाओ। लेकिन अगर भगवान से भक्ति प्रार्थना करोगे, केवल भगवान की भक्ति से ही इसी जगत में भी सुखी रह सकते हैं और उसी जगत में भी हम सुखी रह सकते हैं, हैं? उसी जगत में। और जितने दुनिया की चीज मिलेगा ना, उतना ही संसार में जकड़ जाओगे, उतने माया में फंसते जाओगे। और ये दुनिया की चीज पा करके ना अभी तो किसको खुश नहीं हुए। हम लोग सोचते हैं शायद ज्यादा पैसा कमा लेंगे ना सुखी हो जाएंगे। आप लोगों ने रावण का नाम सुने हो, कौन कौन रावण का नाम सुने, जानते हो, जानते हो रावण के पास में कितना पैसा था, सोने की लंका। कल मैं बता रहा था ना, तुम्हारे पास में कितना सोना होगा, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो, इससे तो ज्यादा सोना नहीं होगी। उसका पूरा लंका ही सोना ही सोना, पूरा के सोना ही सोना। और पत्नी कैसी थी, मंदोदरी, मंदोदरी मतलब जानती हो, मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब होता है कमर, जिसकी कमर इतनी पतली थी, मतलब इतनी वो सुंदरी थी। इसलिए कृष्ण गोपियों को भी यही बात कहती हैं, हैं? गोपियों को यही संबोधना करते हैं, हे सुमध्यमा, मतलब जिनकी कमर पतली, बड़ी सुंदरी, जो विश्व सुंदरी, पुत्र जैसे मेघनाथ जैसे बेटा, लेकिन तब भी लंका में उसको शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिली। लंका में रहते हुए भी वो दुखी दुखी है, लेकिन वहां पर केवल एक व्यक्ति चैन से जी रहा था और सबके सब बेचैन से जी रहे थे। आपको पता है लंका में कौन चैन से जी रहा था, बता सकते हो चैन में कौन लंका में सुखी था? हाँ, हमारे यहाँ पर बड़े बड़े पंडित बैठे हुए, हाँ ये विभीषण केवल लंका में, केवल एक विभीषण चैन में रह रहा था। बोले क्यों, चुके भगवान राम की भक्ति करता था, भजन करता था, और सबके सब लंका में बेचैन। जब हनुमान जी गया ना, उन्होंने पूरा लंका एकदम जला दिए, पूरा लंका जला दिए, लेकिन एक व्यक्ति का घर नहीं जलाया। किसकी नहीं जलाया, किसकी नहीं जलाई, विभीषण की नहीं जलाई। प्रभु राम पूरा लंका को ध्वंस कर दिए, लेकिन एक व्यक्ति को मारे नहीं। किसको नहीं मारे, श्री विभीषण को नहीं मारे। शिक्षा देते हैं, अगर हम ठाकुर जी की शरण में आ जाए ना, प्रभु जी की शरण में आ जाएगी, तो बस तुम्हारी कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारी जय जयकार। अगर ठाकुर जी के शरण में नहीं आओगे ना, सबके सब खत्म हो जाओगे, सबके सब हैं खत्म हो जाओगे। इसलिए भागवत कहती है कल्प वृक्ष है, जो कुछ भागवत से हम मांगेंगे भागवत हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देगी। इसलिए कहते हे भक्तों, नित्य निरंतर ये जो भागवत नहीं, ये कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। एक में तो पका हुआ फल, दूसरे में फिर सूख पखी ने, तोता ने उसमें चोंच मारी। कहती है तोता की एक विशेषत्व है, किसी कच्चा फल में चोंच नहीं, पक्का फल में चोंच मारता है। मतलब ये भागवत एकदम पक्का हुआ फल है। और एक कहावत है, जिसमें तोता ने चोंच मार लेना, उसमें और भी ज्यादा मिठास आ जाती है। इसलिए भागवत तो वैसे मीठा मीठा है ही है, लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी की मुखार बिंद से जब कथा निकली ना, वो और भी ज्यादा मीठा हो गया। बोले क्यों हो गया, कारण क्या? बोले कारण है, ये जो तोता है वो तोता साधारण तोता नहीं, ये कौन है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया पवित्र चच्चो प्रिय चुंबनीना।
ಏಕಾಂತ ಕನ್ನನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಪಾಠಿ ನಿಕುಂಜ ಪ್ರಸಾದ ಸದಾ ನಿವಾಸಿ. ಬಲಿಯ ತೋತಾ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಕಿ ತೋತಾ ಉನ್ಕಿ ನಿಕುಂಜ ಮಹಲೆ ಮೇ ರಹನೆ ವಾಲಿ ಕಭಿ ಕಭಿ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ವೋ ತೋತೆ ಕೋ ಅನಾರ ಕಿ ದಾನಾ ಖಿಲಾಯ ಕರ್ತಿ ತಿ ಅರ್ ಬೋಲ್ತಿ ತಿ ಬೋಲೋ ತೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ತೋತಾ ಭಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಲ್ತಾ ತಾ ಹೇ ಅರ್ ಕಭಿ ಕಭಿ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ವೋ ತೋತೆ ಕೋ ಕಭಿ ಚುಮನ್ ಕರ್ತಿ ತಿ ಜಬ್ ಚುಮನ್ ಕರ್ತಿ ತಿ ಫಿರ್ ರಾಧಾ ಜಿ ಕಿ ಜೋ ಅಧರಾ ಮೃತ ಯೇ ತೋತಾ ಕೋ ಫೋಟೋ ಲಗ್ ಗಯಾ. इसलिए हम कल सुनेंगे जब वहाँ 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, कोई इनकी पिताजी, इनकी पिताजी, उनकी पिताजी, सबके सब वहाँ पर बैठे हुए थे, कोई 100 साल की, 500 साल की, 1,000 साल की. लेकिन जब कथा सुने ना, केवल श्री सुखदेव गोस्वामी से कथा, नंगे धड़गे शरीर में कोई वस्त्र नहीं, कथा इनसे क्यों सुने? बोले कारण है इनकी मुखार बिंद में राधा जी की अधरा व्रत लगा हुआ था. इसलिए जो राधा रानी, आप लोग बताओ तो राधा शब्द को उल्टा दो, बताओ क्या होगा? बोलो जोर से बोलो, राधा शब्द को उल्टा दो क्या होगा? जोर से बोलो. हाँ, कहती धारा. इसलिए कहती ये राधा रानी नहीं, कहती ये कृष्ण प्रेम रस की जो धारा है ना, ये श्रीमती राधा रानी. इसलिए इनकी कथा में बड़ा रस था, इसलिए सबके सब कथा सुने. इसलिए बोले भैया खूब पियो. बोले आपने पहले बता दिया ये फल है, फल को खाते हैं ना फल को पीते हैं? बताओ हम लोग फल को खाते हो ना पीते हो? खाते हैं. यहाँ कह रहे हैं पियो. बोले भैया पियेंगे कैसे? आप कथा बोल रहे हुए फल है. बोले ये ऐसे के फल है जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें छिलका नहीं, जिसमें केवल रसी रस है, रसी रस है. देखो जब किसी फल को हम खाते हैं, आप लोग बताओ फल किधर से खाते हो? जैसे किसी फल को खाओगे किधर से खाओगे? नहीं तो किसी जूस को पीते हो किधर से पीते हो? बोलो मुंह से पीते हैं. लेकिन अभी जिस रस को हम पी रहे हैं किधर से पी रहे हो? कानों से. देखो कानों में पीने का और मुंह में पीने का क्या फर्क है? आप लोग मुंह से कोई भी चीज खाओगे, नहीं तो कोई भी चीज पियोगे ना, वो निकलेगा जो आप उसको अंदर में रख ही नहीं सकते हो. लेकिन ये कोई चीज को अगर कानों से पियोगे ना, कभी वो निकलेगा नहीं, वो चीज कभी निकलेगा नहीं. इसलिए कहती है भगवत कथा रस को मुंह से मत पीना. किधर से पीना? कानों से ये पीना. बोले भैया पीते तो है लेकिन सब निकल जाती है, इधर सुनते और इधर निकल जाती. बोले क्यों? बोले हमारी छेद ही छेद है, हमारी अंदर में छेद ही छेद है, काम है, क्रोध है, लोभ है, पूरा छेद ही छेद. सुनते तो निकल जाती है. बोले ऐसे कौन सा उपाय है, भले ही तुम्हारी अंदर में जितने छेद क्यों नहीं हो लेकिन एक बूंद भी तुम्हारी अंदर से निकलेगा नहीं, तुम्हारी अंदर में एक बूंद भी निकलेगा नहीं. बताओ तो ऐसे कौन सा उपाय है? बताओ कौन सा उपाय है? भले ही एक घड़ा है, घड़ा में छेद ही छेद है, अगर पानी डालो तो क्या होगा? निकल जाएगी. ऐसे कौन सा उपाय है, भले ही जितने छेद क्यों हो लेकिन वो निकलने वाला नहीं? बता सकते इसे कौन सा उपाय? कहते अगर वो घड़े को पानी को अंदर में डाल दो, अगर जितने छेद की हो नहीं हो वो पानी निकलेगा? वो नहीं निकलेगा. मतलब है कहते अगर हर समय हम भगवान की नाम करते रहे, हर समय भगवान की पूजा करते रहे, हर समय ठाकुर जी की कथा सुनते रहो ना, भैया तुम्हारी अंदर में जितने काम क्रोध क्यों नहीं हो, कोई भी निकलने वाले नहीं, निकलने वाले नहीं. क्यों? आप भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान की भजन कर रहे हो. जैसे आप यहाँ बैठे हो, जैसे यहाँ पर बैठे हो, सभी के हृदय में काम क्रोध लोभ है. देखना जब तक यहाँ बैठे रहोगे ना, आपको कोई काम सता रहे, ना कोई क्रोध सता रहे, ना लोभ सता रहे, ना मोह सता रहे. केवल ये कथा से बाहर जाओ, केवल ये कथा से बाहर निकलो, भैया घर में जाने पर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर सारे काम क्रोध आना शुरू हो जाएगी. लेकिन जब तक कथा में बैठोगे ना, कुछ भी होने वाले नहीं. क्यों? जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनते हैं ना, जानते हो कहाँ पर बैठे हो? ठाकुर जी की गोद में बैठे हो, ठाकुर जी की गोद में बैठे हो. इसलिए कहते भैया कथा रस को खूब पियो. कहती ये कथा को दो व्यक्ति पान कर सकते हैं. बोले कौन है? बोले जो रसिक होगा वही पान करेगा, और कृष्ण भक्ति रस में जो भावित होगा वही पान कर सकता. इसलिए कथा रस को सभी नहीं पान कर सकते हैं.
इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा पर होई 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 पाप जहिया संग सोई पाप जहिया संग सोई अति हरि कृपा जा पर होई हरि हरि कृपा जा पर होई भले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कल हमारे प्रभु जी बता रहे थे अब कहीं भी सत्संग में जाओ कीर्तन में जाओ सब कहते ताली बजाओ बोले भैया एक संत कहते ताली बजाने से क्या होता है बोले जो ताली बजाता है ना उसका पाप उड़ जाती है बोले उड़ तो जाती है लेकिन बैठती कहाँ पर बोले जो ताली नहीं बजाती कहते जो भगवान के नाम लेते हैं उसकी पाप भी उड़ जाती है लेकिन वो पाप उड़ कर कहाँ बैठती है जो ठाकुर जी का नाम नहीं करते जो ठाकुर जी का नाम नहीं लेते इसलिए ताली बजाना और क्या करना है ठाकुर जी के नाम लेना नहीं तो सबका पाप जा करके सर पर बैठेगा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम